कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री दिग्विजय सिंह ने एक गोष्ठी में एक बयान दिया है और संदर्भ बहुत कठिन है समझना। उन्होंने कहा कि मिस्टर करकरे, लेट श्री करकरे, द एटीएस चीफ वॉज गॉड फॉर इंडियन मुस्लिम्स। इट्स अ वेरी क्यूरियस स्टेटमेंट एंड डज ही इंटेंड सेइंग दैट ही वॉज नथिंग टू द हिंदूज ऑफ दिस कंट्री? Does he want to define a martyr to this country, a martyr for a cause, to a religion? We are still very curious what prompts him to make such language of divide. उन्होंने भोपाल में 19 दिसंबर को एक सवाल के उत्तर में कहा था कि ऐसे जवाबों के प्रति he has the blessings of Rahul ji and Sonia. We are very amused with such statements and which of course can be called outlandish. उन्होंने कहा कि हेमंत करकरे was a victim of Hindu terror, if you can recall. He also went to the extent of hinting that people like Kasab and those who had attacked 26/11, he tried to deviate from that point, which was taken up by Pakistan as a ground to spit venom against India, to show to the world that the statement of a Congress leader and to absolve Pakistan of the crime committed by terrorists on 26/11 in India. Mr. Digvijay Singh is the same person who had raised a question on the Bhatla House encounter. He had called it a fake encounter. Digvijay Singh वही व्यक्ति है जिन्होंने Bhatla House के उस आतंकी मुठभेड़ के बारे में उन्होंने टिप्पणी की थी कि ये फर्जी है। दिग्विजय सिंह वही व्यक्ति है जो आजमगढ़ की यात्रा करके, जो अपने आप में एक डेन माना जाता है, एक फैक्ट्री माना जाता है टेररिज्म के लिए, ये सभी तथ्य ये बड़ा अजीब सी स्थिति वो उत्पन्न कर रहे हैं। लगता है जो कांग्रेस पार्टी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है उसकी पूरी जिम्मेवारी इनको दे दी गई है टू फॉन हेट, टू स्प्रेड हेट, टू स्प्रेड डिवाइड इन द नेशन। और आपको स्मरण होगा कि जब उन्होंने कहा था कि हेमंत करकरे, स्वर्गीय हेमंत करकरे जी को हिंदू टेररिस्ट का थ्रेट कॉल्स मिलता था और उस समय उनकी पत्नी कविता करकरे ने कहा था और उसे आउटराइटली रिजेक्ट किया था, उसे कहा था बिल्कुल बेबुनियादी है ये, कहा था कि कविता जी ने स्वयं कहा था कि कभी उनके पति ने इस बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कभी इसकी चर्चा नहीं की। क्या हम दिग्विजय सिंह की बात को माने या उनकी पत्नी की बात माने जो उनकी उनके साथ रही? और बार बार कहे जाने पर उनकी पत्नी ने बार बार कहा कि मेरे पति को इस सियासत से बाहर रखिए, बार बार कहा कि वो शहीद हुए हैं, उनको इस राजनीति के पछड़े में मत लाइए। श्री दिग्विजय सिंह के इस संवेदनहीनता की प्रकाशता है। वो बार बार हेमंत करकरे, स्वर्गीय हेमंत करकरे की चर्चा करके कहीं ना कहीं
अपनी राजनीतिक रोटी, और ये कहीं ना कहीं ये पूरे पूरे अभियान में उन्हें संरक्षण मिल रहा है श्रीमती सोनिया गांधी जी का। देश के लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक धर्म का उपयोग करके, एक शहीद के नाम को निरंतर उपयोग करके उस शहीद और उसके परिवार की अवमानना कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश के लोग ये पूरी हरकत देख रहे हैं। हाल फिलहाल दिग्विजय सिंह के प्रति ये आरोप भी लगाया गया कि वो संजयपुर गए थे, और वैसे परिवार के लोग और विशेष करके डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज के घर पर गए थे, जिनका नाम वाराणसी के बम ब्लास्ट में जिनका नाम है। तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रक्रिया पर अपनी सफाई दे। देश के सामने सोनिया जी बताए कि वो ऐसे शब्दों में ऐसे देश को बांटने के लिए दिग्विजय सिंह को इस काम के लिए प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। बेहतर होगा कि चोरी छुपे ना करके देश को बताए कि दिग्विजय सिंह ऐसी घटनाओं के लिए, ऐसे शब्दों के लिए, ऐसे अपमानजनक शब्दों के लिए, शहीदों के प्रति इस प्रकार की असंवेदनशील शब्दों के उपयोग के लिए नियुक्त किए गए हैं। देश भी जानना चाहे। द भारतीय जनता पार्टी एट हाईएस्ट लेवल रिटरेट्स इट्स स्टैंड टू गो डीप इनटू द मल्टीफेसेटेड 1,76,000 करोड़ स्कैम ऑफ द 2G स्पेक्ट्रम। We demand nothing less than the joint parliamentary committee of the parliament. भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार दोहराती है और स्पष्ट तौर से कहना चाहेगी, जो बहुगामी लूट 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में हुआ है, जिसमें 1,76,000 करोड़ का लूट हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी संयुक्त संसदीय समिति से कम कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और हम इस मांग को पूरे विपक्ष की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से दोहराते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज वॉलंटियर्ड टू ब्रेक अ प्रेसिडेंट। ही हैज सेड दैट ही वुड लाइक टू अपीयर बिफोर द PAC। द भारतीय जनता पार्टी वुड से एंड वुड रिपीट that we don't want the Prime Minister to break any precedent. We are not asking the Prime Minister to break any precedent whatsoever. We are not even interested that the Prime Minister breaks any precedent. We are not interested in that. We are just asking the Prime Minister to follow the precedent. And there has been a precedent of a joint parliamentary committee, and that is a demand of the joint opposition to constitute a joint parliamentary committee to investigate into the 2G spectrum scam. As we have said earlier, the PAC just looks into the accounts, the various paras of the CAG. What we are talking about is just not accounts. The joint parliamentary committee will go into the accountability of the government, in the issue of governance in the which has been raised. और हम फिर से दोहराना चाहेंगे कि जो PAC की समिति है वो खाता बही की जो CAG की टिप्पणियाँ हैं उस पर वो काम कर रहे हैं, वो काम करते रहेंगे, उनसे भी कई तथ्य प्राप्त हो सकेंगे, सरकार के उस बड़े घोटाले का जांच हो सकेगा। लेकिन उससे भी बड़े 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 तर्क पर भारतीय जनता पार्टी ने जो संयुक्त संसदीय समिति की मांग की है, उसमें इस सरकार की जिम्मेवारी और शासकीय जो जिस प्रकार से गवर्नेंस का विषय आया है उस बारे में भी देश के लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि ये सामान्य लूट नहीं माना जा सकता है। और फिर से भारतीय जनता पार्टी एक बार इस बड़े घोटाले के
जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की मांग करती है। जैतापुर का सवाल पर कई मित्रों ने जानना चाहा भारतीय जनता पार्टी का क्या रिस्पॉन्स है। वी आर अवेयर दैट अ कंडीशनल एनवायरमेंट क्लियरेंस हैज बीन गिवन टू अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन जैतापुर। द फिशरमैन एंड द लोकल्स आर एजिटेटिंग, वी आर अवेयर ऑफ दैट। वी आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन इन द ग्राउंड जीरो दैट सेवरल इकोलॉजिकल इश्यूज हैव बीन रेज्ड बाय द पीपल। And we, the Bharatiya Janata Party, would suggest that all effort should be made to address the concerns of the local fishermen, of the local villagers, of the farmers, because they have raised issue about that issue, that area being earthquake prone, concerns about fishing and livelihood, concerns about freedom of movement once this power plant is established. And all these issues are very important. So it's a matter development vis-a-vis ecology. The Bharatiya Janata Party would appeal that all issues which concern the farmers should be addressed. And if they are asking for an environmental reassessment, the government should consider all the views and take appropriate action. एक छोटा सा विषय है ये, सामान्य संदर्भ का विषय है, लेकिन आप सब जानते हैं कि दिल्ली में वर्ष 2010 के लिए हाउसिंग स्कीम लॉन्च किया गया है। इसमें लगभग 15,574 फ्लैट आवंटित किए जाने हैं और जो जानकारी में है लगभग 14 लाख फॉर्म्स अभी तक बिके थे, इसमें जमा किए गए होंगे और जिसका लॉट लगभग 30 अप्रैल तक समाप्त किया जाना है, उसकी लॉटरी निकाली जानी है और जिसमें 9 लाख रुपए से लेकर के 1.25 करोड़ तक के मकानों के आवंटन का सवाल है। ये सामान्य व्यक्तियों के पूंजी और सामान्य व्यक्तियों का लॉटरी है और कई सारे रिप्रेजेंटेशन, कई सारे ऐसी जानकारी मिल रही हैं जो आवेदन भरने के दौरान बैंकों के बाहर, DDA के बाहर कई प्रकार के मिडिलमैन, कई प्रकार के एजेंट्स, कई प्रकार के रियल एस्टेट एजेंट्स सामान्य व्यक्तियों से बड़ी बड़ी राशि की मांग कर रहे हैं और ये विश्वास दिला रहे हैं कि यदि ये राशि दी जाएगी इन लोगों को तो मकान अवैध रूप से आवंटित कराया जा सकता है। और लगभग अनुमान, एक सर्वे के अनुसार लगभग बड़ी संख्या में बड़े अमाउंट लेकर के बहुत सारे लोग इस काम में लगे हैं और ये राशि लगभग 500 करोड़ रुपए से ज्यादा आज बाजार में जमा की जा चुकी है। ये सामान्य व्यक्तियों का विषय है जो दिल्ली सरकार और दिल्ली के इर्द गिर्द रहने वाले व्यवसायियों के लिए, छोटे लोग के लिए, सामान्य लोग के लिए जो दिल्ली में आए हैं, बाहर से आए हैं, जो दिल्ली में बसे हैं। और पहले भी हमने देखा है कि DDA के मकान आवंटन हमेशा किसी न किसी विवाद में घिरा रहा। एवरी टाइम वी हैव सीन द DDA अलॉटमेंट्स, द DDA लॉटरीज हैव बीन अ स्कैम। And last time also the CBI is yet inquiring into the allotment which took place. It's a matter of concern for a common man of Delhi. It's a matter of concern for people like us. And that is why we are warning, we are apprehensive, we are concerned that large number of middlemen across Delhi are intervening to take and convince people of backhand deals. The vigilance agencies, the Delhi police, the government of the day, the BJP would demand that preventive steps, appropriate steps, a full transparent lottery system in full public eye, which cannot be questioned tomorrow, should be considered for allotment and lottery of these DDA houses. We are the Bharatiya Janata Party in the backdrop of what has been happening with DDA and DDA house allotments would like to place on record that we are concerned about the concerns of a common man who uses his lifelong savings to invest in such property should be protected. And since we have received representations, we are witness to large number of middlemen intervening in such actions. Government should take due cognizance and take appropriate preventive measures.
बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल हो गए।